तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है मई स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में रियलमी डिवाइस में यहाँ पे कई सारे डिवाइस के यूजर्स को 5.0 का न्यू वर्जन जो है देखने को मिलने वाला है। अब चाहे हम बीटा वर्जन की बात करें चाहे हम स्टेबल वर्जन की बात करें, दोनों ही वर्जन यहाँ पे जो जो डिवाइस एप्लीकेबल होंगे उनको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो 5.0 का मैक का अपडेट है वो कब तक देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है एंड यूजर्स को कितना वेट करना पड़ सकता है। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है कि हर मंथ जो है रियलमी के कई सारे डिवाइस को 5.0 का न्यू अपडेट यहाँ पे रोल आउट किया जाता है। ऐसे में यहाँ पे मई भी स्टार्ट हो चुका है एंड मई के मंथ में कई सारे डिवाइस जो यहाँ पे लिस्टेड हैं ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट को रोल आउट होने के लिए, अब वो चाहे बीटा वर्जन हो या फिर स्टेबल वर्जन हो। आपको पता है कि कई सारे डिवाइस को पहले बीटा वर्जन मिलता है देन उसके बाद स्टेबल वर्जन मिलता है, लेकिन जो यूजर्स हैं उनको अगर यहाँ पे बीटा वर्जन मिल चुका है तो उन यूजर्स को स्टेबल वर्जन भी मिलेगा। और प्रीवियस मंथ मतलब कि अप्रैल के मंथ में जिन यूजर्स को यहाँ पे बीटा वर्जन मिला था उनको यहाँ पे अप्रैल के मंथ में जो है बीटा वर्जन मिलने के बाद अब जो मई का मंथ आएगा इस मंथ में उनको स्टेबल वर्जन भी मिलेगा। और कई सारे डिवाइस ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे अभी तक जो है 5.0 का अपडेट ही देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो जिनको नहीं मिला है और जिनको मतलब स्टेबल वर्जन भी मिलेगा मई वाला, तो कब तक मिल सकता है? देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, जो भी मैं बात डिस्कस करने वाला हूँ ये आपको पता है कि रियलमी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं होती, बट फिर भी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जो है डिस्कस करते हैं। अब ये जो है अपडेट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फोर्थ वीक ऑफ मई में कह सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइस को यहाँ पे जो है 20 मई के बाद जो है अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको अभी तक 5.0 का बीटा वर्जन नहीं मिला हो या फिर स्टेबल वर्जन नहीं मिला हो तो यहाँ पे आपको मई के मंथ तक का वेट करना है। और मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है जैसे कि, और ऐसे में 20 जो है मई के आसपास तक का वेट करना है, ठीक है। हर किसी डिवाइस के लिए एक साथ अपडेट को पुश आउट करना जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में टीम वर्क करती है सबसे पहले जो है न्यू अपडेट जो है कई सारे यूजर्स को देने की, और पुराने यूजर्स को जो अपडेट है उनको भी मिलता है। लेकिन सबसे पहले ट्रायल वर्जन देखने को मिलेगा, बीटा वर्जन, फिर उसके बाद स्टेबल वर्जन देखने को मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मई के लास्ट से पहले मतलब कि 20 मई के बाद ही आप समझिए, और 31 मई से पहले पहले जो डिवाइस एप्लीकेबल हो सकती हैं उन डिवाइस को यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया जा सकता है। और अगर आपको अपडेट मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है, और अपडेट नहीं मिला है तो भाई डेफिनेटली आपको इस जो है मंथ का वेट करना है भाई, अच्छी बात है। अगर स्टेबल वर्जन भी आपको मिल रहा है, न्यू अपडेट मिल रहा है, तो उसमें न्यू फीचर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप बताइएगा कि आपके पास 5.0 का अपडेट अभी तक मिला है या फिर नहीं मिला है, और मिला है तो कौन सा वर्जन मिला है, बीटा मिला है कि स्टेबल मिला है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में डिस्कस जरूर से कीजिएगा। तो होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पे मैं अपडेट के लिए इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों थैंक यू।